तो दोस्तों आप पहुंच चुके हैं अपने इस YouTube चैनल जीशान मॉनिटर पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मजदूर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और मजदूर रजिस्ट्रेशन करके हम 17,500 रुपये कैसे पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में पूरी चीज विस्तार से। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और मैं हाल ही में आई एक अपडेट जो कि गवर्नमेंट की ओर से आई एक अपडेट है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने न्यूज का एक कटिंग लिया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ मजदूरों को कपड़ों के लिए सालाना 2,500 मिलेंगे, यानी कि हर मजदूर को हर साल 2,500 रुपये कपड़ों के लिए अलग से अनुदान देगी सरकार और 15,000 अलग देगी, तो 17,500 रुपये आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे तो कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे क्या करना होगा। तो उसे जानने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा फिर से, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है वेबसाइट का, इस वेबसाइट पर लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो डायरेक्ट आप ब्राउजर में सर्च करेंगे bocwbihar.in सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक को फॉलो करके आप आ सकते हैं। तो वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले आपके पास यहाँ पे देखिए CSC होना जरूरी है, आपके पास डिजिटल सेवा पोर्टल होना जरूरी है। अगर आपके पास CSC है, डिजिटल सेवा पोर्टल है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको मिल रहा है एक CSC लॉगिन, इस CSC लॉगिन के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप CSC लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपका CSC ID पासवर्ड मांगा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम से दिक्कत आ गई थी, यहाँ पे CSC ID और पासवर्ड देंगे तो उसके बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद CSC ID CSC पासवर्ड देंगे तो आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप साइन इन पर क्लिक करें, यहाँ फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम आ चुकी। तो जैसे आप CSC ID पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल चुका है। यहाँ पे आपका लॉगिन हो चुका है, लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है, इस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा वर्कर रजिस्ट्रेशन, तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो इसके बाद जैसे अभी इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वेरीफाई आधार, सबसे पहले आप जिसका भी मजदूर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसका वेरीफाई आधार को करना होगा, उसके लिए यहाँ पे वेरीफाई आधार पे क्लिक करना होगा। जैसे आप वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आधार नंबर और यहाँ पे नाम मांगा जाएगा, तो यहाँ पे इसमें आधार नंबर देना होगा और यहाँ पे जो नाम आधार कार्ड में वही नाम आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे एथेंटिकेट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम मिल जाएगा और यहाँ पे एप्लीकेशन किस डेट को अप्लाई कर रहे हैं आप उस डेट को सिलेक्ट करेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस डेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से वो आपको सिलेक्ट करना होगा, अपना जिला यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एरिया अपना सिलेक्ट करिए, रूरल या अर्बन, तो वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपसे ब्लॉक मांगा जाएगा, ब्लॉक देने के बाद यहाँ पे आपसे आपका पंचायत मांगा जाएगा, पंचायत दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आपका स्थाई पता, आपका स्थाई पता जो है वो उसको इसमें इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फोटो लगाना है जिसकी MB 2 MB से कम होनी चाहिए, जिसकी साइज 2 MB से कम होनी चाहिए। अगर आपका स्थाई पता और परमानेंट पता सेम है तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे, अगर दोनों अलग अलग है दोनों अलग अलग इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है पिता या फादर्स या हस्बैंड का नाम देने के लिए, तो यहाँ पे नाम दे देंगे। उसके बाद यहाँ आधार नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कौन सा काम करते हैं, जिसका मजदूर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो कौन सा काम करता है, तो यहाँ पे राजमिस्त्री या लेबर अगर है तो राजमिस्त्री का हेल्पर देंगे, या बढ़ाई है, लोहार है, पेंटर, वो जिसका मजदूर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो कौन सा काम करता है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ राजमिस्त्री का हेल्पर। ये आपको कम्प्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए ये सब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अदर इन्फॉर्मेशन, तो अदर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह के सेंटिफिक्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको देना होगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ईयर पर क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे ईयर पर क्लिक करेंगे, जो भी साल है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, मंथ सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद दिन यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इस तरह यहाँ पे आपको दे देना होगा डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे एक आधार कार्ड को अपलोड करना है जो कि JPG या PDF या PNG किसी भी फाइल में होना चाहिए, जिसकी साइज 2 MB से कम होनी चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप आधार कार्ड को अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी, जनरल EBC कौन सी जाति की, वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे, जो मोबाइल नंबर होगा। उसके बाद ESI नंबर को खाली छोड़ देंगे।
उसके बाद यहाँ पे एडुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा है, तो यहाँ पे एडुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको मिल रहा है चार ऑप्शन, बिलो मैट्रिक, अगर मैट्रिक से कोई जिसका अप्लाई कर रहे हो अगर वो मैट्रिक से कम पढ़ा लिखा है तो बिलो मैट्रिक देंगे। उसके बाद यहाँ पे लाइट लेट, मतलब अगर वो साक्षर है, सिर्फ सिग्नेचर करना जानती है हस्ताक्षर करना जानती है तो लाइट लेट सेलेक्ट करेंगे, मतलब साक्षर है। कोई मैट्रिक पास है तो मैट्रिक पास सेलेक्ट करेंगे, और नॉट लाइट लेट मतलब साक्षर भी नहीं है, उसको सिग्नेचर करना भी नहीं आता, जो सिर्फ सिग्नेचर करता है तो यहाँ पे लाइट लेट देंगे, जो जिसको सिग्नेचर करने भी नहीं आता है तो उसको नॉट लाइट लेट देंगे। तो मैं जिसको करा उसको सिग्नेचर करने आता है वो साक्षर है, तो यहाँ पे लाइट लेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको सिलेक्ट करना होगा, मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पे वैवाहिक स्थिति, जिसकी आप अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके शादी हुई या नहीं, मैरिड या अनमैरिड, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आता है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल देना है, नियोजक का पूरा डिटेल देना होगा। यहाँ पे नियोजक का नाम दे, नियोजक का नाम में यहाँ पे उसका नाम आप दे सकते हैं जिसके घर में ये मजदूर, किसी के भी घर में अगर उसके घर बनाते वक्त या कोई भी चीज़ बनाते वक्त लगातार 90 दिन तक काम किया हो, तो किसी का भी अगर सरकारी किसी जगह पे काम किया हो या किसी आम आदमी के यहाँ घर बनाते वक्त या कोई चीज़ बनाते वक्त लगातार 90 दिन तक काम किया हो तो उसका डिटेल यहाँ पे देना होगा, ठीक है। जिसके यहाँ भी काम किया उसका डिटेल यहाँ पे देना होगा। उसके बाद वहाँ उसका पता क्या है वो दे देंगे, जो भी उसका पता है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्थान दे देंगे, जो भी स्थान है वो स्थान यहाँ पे दे देंगे, पंचायत का नाम जो भी है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इसके घर में इसका जो बन रहा था उसमें आप कौन सा काम किया, तो राजमिस्त्री का काम कर रहे थे या राजमिस्त्री का हेल्पर का काम कर रहे थे, तो वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कब से कब तक आपने इसके यहाँ काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैलेंडर में क्लिक करना है और कैलेंडर पे आपको 3 मंथ सेलेक्ट कर लेना होगा, यानी कि 90 दिन, ठीक है। तो कैलेंडर में क्लिक करके आपको 90 दिन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कुल अवधि कितने दिन ने आपने काम किया, तो यहाँ पे 90 दिन आपको इंटर कर देना 90। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह को अपलोड नहीं करना, उसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपली से खाली छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप आता है बैंक इन्फॉर्मेशन। बैंक इन्फॉर्मेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे IFC कोड मांगा, जिस बैंक में आपको पेमेंट चाहिए उसका, उस बैंक का IFC कोड देंगे। तो यहाँ IFC कोड देने के बाद यहाँ पे गेट बैंक इन्फो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट बैंक इन्फो पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, फिर से यहाँ आएंगे और फिर से बैंक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बैंक इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे IFC कोड आ चुका, और यहाँ पे बैंक का नाम भी और वो बैंक का ब्रांच का नाम, बैंक का पूरा पता भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे उनका खाता नंबर, जो भी खाता नंबर है वो खाता नंबर आपको इस बॉक्स में इंटर कर देना, और उसी खाता नंबर को यहाँ पे आपको क्या करना है, कंफर्म करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा फोटो, पासबुक की फ़ोटो कॉपी अपलोड करना होगा, पासबुक की जो कॉपी है उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके लिए हम चूज फाइल पर क्लिक करके आप पासबुक को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसको खाली छोड़ता। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा आवेदक यदि पूर्व से किसी भी अनकल्याण बोर्ड का सदस्य है, यहाँ पे कह रहा आवेदन यदि पूर्व से ही किसी अनकल्याण बोर्ड का सदस्य है, ठीक है, किसी कल्याण बोर्ड का सदस्य है, तो यहाँ पे सदस्य नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नॉमिनी डिटेल। तो जैसे आप नॉमिनी डिटेल पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपका रुपया, अगर इस स्थिति में आपकी मृत्यु हो जाती है, ये जो आपका रुपया बकाया है ये किसे दिया जाएगा, ये जो आपका पेमेंट बकाया है, ठीक है, आपकी आपको पेमेंट मिलने के दरमियान आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका जो बकाया रुपया जो पेमेंट है वो किसे आप देना चाहते हैं उसको नॉमिनी के रूप में आप यहाँ पे चिन्हित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे परिवार का सदस्य का नाम दे, जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम यह आपको यहाँ पे इंटर कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है उसका पता क्या है, जो भी उनका पता वो दे देना होगा। उसके बाद कह रहा है ये आपका कौन है, ब्रदर है, डॉटर है, फादर है, हस्बैंड है, मदर है, सिस्टर है, सन है, जो भी वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है इसकी एज क्या है, इसकी उम्र क्या है, वो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। उसके बाद कह रहा है क्या इसको आप नॉमिनी के रूप में चिन्हित करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस बॉक्स में टिक मार का लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पूछ रहा है नॉमिनी को दी जाने वाली राशि प्रतिशत में, ठीक है। मान लीजिए आपका जो रुपया है ये अगर चाहते हैं आप पूरा रुपया इसी को दे
तो यहाँ पे आपको 100% 100% का 100% इसको आप देना चाहते हैं तो 100 सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसमें का कुछ रुपये आप दूसरे बेटे को दो या तीसरे बेटे को दो, तो इसमें आप यहाँ पे 50% यानी कि इसको जितना देना, जितना परसेंट देना है 100% में, जैसे मान लीजिए मेरे पास जितना रुपया उसका मैं दो भाग करना चाहता हूँ 50-50%, ठीक है, तो मैं 50% इसको दे दूंगा, उसके बाद ऐड मोर पर क्लिक कर दूंगा, उसके फिर से मैं दूसरे नॉमिनी को ऐड करूंगा जिसको मैं रुपया देना चाहता हूँ, अपनी नॉमिनी का जिसका अप्लाई कर रहा हूँ, नॉमिनी की मर्जी के पास किसे किसे रुपया मिलना चाहिए वो देंगे, और वो इसका संबंध क्या वो देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा उसकी आयु क्या है, क्या इसे भी नॉमिनी के रूप में आप चिन्हित करना चाहते हैं, टिक मार्क अलग करेंगे, और अपनी राशि में से कितना प्रतिशत राशि इसको आप देना चाहते हैं, इसको भी 50% हम दे देते हैं, उसके बाद ऐड मोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो ऐड हो चुका, अब जो मेरा जो भी राशि है उसका, जो मान लीजिए मेरा राशि 20,000 है तो 10,000 ऊपर वाले को मिलेंगे, 10,000 नीचे वाले को मिलेंगे, मतलब दोनों को बराबर मिलेंगे क्योंकि मैंने दोनों को परसेंट बराबर दिया है 50-50, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है डेट ऑफ वेरीफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वेरीफिकेशन कमेटी, तो यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना, जिस दिन अप्लाई करें उसी दिन का डेट सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर ये सब फिलअप करने के बाद सबमिट बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है आर यू सोर्स टू सेव, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे मैसेज भी रिकॉर्ड सेवेड सक्सेसफुली विथ एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा आपका एप्लीकेशन नंबर, तो इस एप्लीकेशन नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपका अप्लाई हो चुका, आपका मजदूर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो इसमें कोई रसीद अभी नहीं मिलता है, पहले मिला करता था, पहले यहाँ एड बटन के बगल में एक व्यू का बटन था, लेकिन वो व्यू का बटन अभी हटा दिया गया क्योंकि न्यू अपडेट की आया है, और न्यू अपडेट में हम आपको बताएं इस वीडियो में, इसलिए न्यू अपडेट में ये जो व्यू का बटन था जहाँ से आप रसीद निकाल के दे सकते तो वो हटा दिया गया है। अगर आप करते हैं तो जिस टाइम उस टाइम अगर आ जाता है तो यहाँ पर व्यू का बटन, तो वहाँ से आप व्यू पर करके आप रसीद निकाल सकते हैं, या जो भी आपको रेफरेंस नंबर मिला था उस नंबर को ही आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो अभी कोई रसीद नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की ओर से, पहले मिला करता था। जो आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ ऐड के बगल में यहाँ पे एक व्यू का बटन आ जाएगा, तो व्यू पे क्लिक करके आप अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का इस वीडियो, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और उसे भी ये बता दीजिए कि रजिस्ट्रेशन कर ले, और सरकार के द्वारा उनको मिलने वाला बहुत सारा रुपया वो भी हर साल। तो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के साथ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ।